સુરતના ખટોદરા વિસ્તારના સોશિયલ સર્કલ પાસે પ્રાચી હોસ્પિટલની મેડિકલમાંથી ખરીદેલ બાળકના પાવડરમાંથી ઈયળ નીકળતા હોબાળો મચી ગયો હતો. આ મામલે મેડિકલ માલિકે હાથ ઊંચા કરી દીધા હતા. પાવડર બ્રાન્ડેડ કંપનીની મમ્સ કેરમાંથી આવતો હોય જે મામલે કંપની સામે સરકાર કેવા પગલાં લેશે તે જોવા રહ્યું. જો કે બ્રાન્ડેડ કંપનીની વસ્તુ બાળકો માટે હાનિકારક નીકળતી હોય તો તે બાબતને લઈ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે મોટા પ્રશ્ન ઊભા થયા છે. जी आपका नाम? सीताराम साहू. सीताराम भाई बताइए क्या हुआ बच्चे का, कैसे कितने दिन से बच्चे एडमिट थे और किस तरह की दवा दी जा रही है? बच्चे की परसों से दवाई चालू है, मतलब बुखार हुआ था तो लेके आए थे, इन्फेक्शन था तो एडमिट किए. कल मेरे को एक प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर लिखे, कोई बात नहीं बोलिए बोलिए, ये पाउडर लिखे ये लेके आया. इसके अंदर से बहुत सारे कीड़ा है. बच्चे को दो बार रात को पिलाया मैंने, मेरी वाइफ ने पिलाया तो उसमें अभी सुबह देखे पिलाने के लिए देखे तो कीड़ा अंदर है. इसके लिए रात को बराबर दिखा नहीं, अभी कीड़ा सफ़ेद कीड़ा है उसके अंदर है. बच्चों की तबीयत कैसी है? बच्चे की तबीयत तो अच्छा है, लेकिन अभी कीड़ा, बच्चे भी कीड़ा खा चुका है. क्या है वो कंपनी वाले की, इसके जब आपने डॉक्टर को बताया इसके बारे में? डॉक्टर को इसके बारे में बताया तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं होगा, ये मतलब अपनों कंपनी वालों को भी नहीं तो केस कर दे, कंप्लेन वाला कंपनी कर दे, कंपनी वाले के ऊपर कंप्लेन करेंगे. अभी जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले क्या बता रहे हैं? कंपनी वाले बोलते कुछ अभी तक बताए नहीं, बोलते तुम्हारा जगह तुम ठीक हो, हमारा जगह हम ठीक है, ऐसा बोल रहे थे. अभी आगे क्या, आप क्या चाहते हो आगे? ये सही, मतलब ये जो दवाई ख़राब निकला, मतलब ये प्रोटीन पाउडर जो ख़राब निकला, इसमें कार्रवाई होना चाहिए. आगे जाके दूसरे कोई बच्चे को ऐसे, मतलब अभी हम देखे तो रुक दिए, नहीं देखे तो खाते रहते, बच्चे को खिलाते रहते तो तबीयत खराब हो जाता. यही चाहते हम.